Well, welcome back to my YouTube channel. This is your host and dost Vishwinder Rao. आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह मर्डर केस के बारे में. अभी रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत लोग कंफ्यूज थे कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन है क्या, एंड एनसीबी के पास व्हाट्सएप का डेटा कैसे गया उस ड्रग केस में. दीपिका पादुकोण और जया जो कि मैनेजर है उनके बीच का कॉन्वर्सेशन, उन्होंने कैसे क्रैक किया, तो आज मैं उस बारे में आपको बताऊँगा. तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी इसके बारे में, उसके बाद रिसर्च करने के बाद ही मैं बता रहा हूँ. एंड आई होप यू गाइस विल लाइक इट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्हाट्सएप क्लेम कर रहा है वो कुछ और है और एनसीबी फिर भी डेटा निकालता है. तो मैं आपको पहली चीज़ बताना चाहूँगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है. जैसे कि मैं जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच का जो भी डेटा है और जो भी कॉन्वर्सेशन है वो सिर्फ हम दोनों के बीच में है, उसको हम एंड टू एंड बोलते हैं. इनक्रिप्टेड है मतलब वो डेटा कोई अगर एक्सेस कर भी ले तो दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ और उसको क्रैक नहीं कर सकता. वो बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम बेसिस पे बनता है एंड ये होता है हमारा एंड टू एंड इनक्रिप्शन. और व्हाट्सएप जो क्लेम कर रहा है वो बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है. वो किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं देते चैट्स का. एंड मैं कुछ सिनेरियोस बताता हूँ जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप नहीं चाहते कि आपका डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए. तो इंडिया में 10 ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अलाउड है अंडर आईटी एक्ट जो 2005 में हमारी गवर्नमेंट ने लागू किया था. उसमें उनके पास पावर्स हैं कि वो किसी का भी डेटा, फोन रिकॉर्डिंग और डिजिटल जो भी डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो इस केस में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि जया का जो मैनेजर थे दीपिका, उसके पास जो उसका फ़ोन था वो एनसीबी के पास था. एनसीबी ने क्या देखा कि जैसे हम चैट्स के बैकअप रखते हैं, व्हाट्सएप का बैकअप होता है, तो अगर आपने बैकअप ऑन किया हुआ है और वो डेटा डिलीट नहीं किया हुआ है जो बैकअप स्टोरेज है, तो कोई भी उसको रिस्टोर कर सकता है. ऐसे ही एनसीबी ने, उनके पास उसका फ़ोन था तो वो उन्होंने एक्सेस कर लिया. अब क्या आता है, कई बार होता है कि फ़ोन नहीं है, तो फ़ोन नहीं है तो क्या करती है एनसीबी, या तो वो व्हाट्सएप के पास डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी कि हमको ये डेटा चाहिए. उस केस में व्हाट्सएप सिर्फ 30 दिन का डेटा स्टोर रखती है, उससे ज़्यादा का नहीं रखती. तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इन्होंने अगर डेटा रिक्वेस्ट किया, जो भी आपके चैट के बैकअप है ना वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है और वो क्लाउड पे अपलोड होते हैं, और क्लाउड पे अपलोड हुई चीज़ को एनसीबी आराम से एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी अप्रूवल और प्रायर किसी चीज़ का भी उनको गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, तो वही चीज़ कर सकते हैं. जया वाला केस में उनके पास चैट बैकअप था तो उन्होंने वो रिस्टोर कर लिया उसके फ़ोन पे. दूसरा तरीका होता है अगर मान लो फ़ोन नहीं है, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्या किया जाए, तो वो क्या करते हैं, क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आपने एक फ़ोन सेम फ़ोन वैसा ही बना दिया, वो डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं और वो बिल्कुल वैसा ही सेम फ़ोन बना लेते हैं. इसको हम क्लोनिंग मतलब एक जैसा बनाना. तो वो क्लोन करते हैं और सारा रिट्रीव करते हैं डेटा उस तरह से. तो ये दो मेथड होते हैं. सबसे पहली चीज़ जो करें, अपना चैट बैकअप बंद करें. अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चैट्स हैं वो एक्सेसिबल ना हो किसी भी थर्ड पार्टी को, आप व्हाट्सएप का एक फीचर है जो आपकी प्राइवेसी कंसर्न से रिलेटेड में सिक्योरिटी कोड, तो ये चेंज करते रहना चाहिए आपको टाइमली. तो सिक्योरिटी कोड चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा है, आपका डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब आप यूज़र एंड पे खुद ही गलती करें, खुद ही उनको डेटा देंगे. तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको समझ आया होगी कि मतलब ऐसा क्या सिनेरियो था, तो मतलब आप वहाँ पे कंफ्यूज. आई होप आई बी एबल टू
clear your doubts. Guys, please like, share, comment and subscribe my channel Security Bank. And मैं ऐसे ही amazing videos और बनाऊँगा जो recent issues पे हैं. And please guys, अपने दोस्तों के साथ, अपने family के साथ, अपने cyber security वाले दोस्तों के साथ ये channel please share करें. WhatsApp status डाल सकते हो आप, Facebook पे share कर सकते हो. And please help me out in spreading and लोगों को पता चले कि ऐसा भी चैनल है जहाँ पे इजी वे में चीज़ें समझाई जा सकती हैं. थैंक यू वेरी मच.